हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और ये सुबह सुबह मैं वीडियो डाल रही हूँ। मैं रात में भी डाल सकती थी बट मेरे घर पे लाइट नहीं थी और इसकी वजह से अंधेरा अंधेरा था, इसकी वजह से कोई लाइट नहीं दिख रहा था। लेकिन मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मैं वीडियो अपलोड कर दी थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो ये वीडियो को, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हैं, ये जो सारस है आप लोगों को बहुत ही बेरहमी की तरह से इसका दोनों पैर टूट गया है। बहुत ही ये तकलीफ़ में है, जो कि खेत में पड़ा हुआ गिरा हुआ था और किसी को भी नहीं मालूम था कि जैसे लग रहा था कि वो खेत में, मतलब जो धान की रुपया हुई है ना, उसी में चल रहा होगा, खा पी रहा होगा, कीड़े मकोड़े, बस यही सभी लोगों को अंदाज़ा लगाया जा रहा था। लेकिन बच्चे छोटे छोटे जैसे वहाँ तक पहुँचे देखने के लिए, मतलब सारस है देखने के लिए पहुँचे, तो वहाँ पे पता चला कि उसका उसको चोट लगा है, उसके पैर में, दोनों पैर में चोट लगा। लेकिन फिर भी गांव के बच्चे आकर, मतलब घर पे आके बोले तो ऐसा थोड़ी ना था, कोई इतना कोई नहीं जानता था कि सच में उसके पैर में चोट लगा है। तो सब लोग कह रहे हैं पानी में है, पानी में, तो सभी यही सोच रहे थे। लेकिन उसके बाद से कुछ शाम जब हुआ तो उसके बाद से हमारे घर के बच्चे जो फिर आकर बोले, तो फिर जो बड़े बड़े थे वो घर पे नहीं थे, कोई भी घर पे नहीं था। तो उसके बाद से गए तो हमारे घर के बच्चे जो बड़े बड़े थे तो गए तो उसको निकाल कर लेकर आए, निकाल कर लेकर आया और उसको ले, मतलब लेकर आया गया है हमारे घर पे ही। रात में ही उसको पूरा हम लोग जो गर्म पानी से ड्रेसिंग किए थे, उसके बाद से डिटॉल मारे थे उस पर, और फिर उसके बाद से हम लोग हल्दी, वो जो भांग वगैरह प्याज होता है पीस कर, और उसको फट्ठी बांध कर ऐसे में पूरा उसके पैर में लगाया गया है। जैसे कि हमारे घर के जो बड़े परिजन हैं वो सभी लोग लगाए और उसको बांध कर, और अच्छे खासे से हमारे घर में मड़ई में पड़े हुए हैं इस टाइम। और ये सुबह सुबह मैं बिल्कुल 5 बजे ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि वन विभाग वाले तक पहुँचे और वो लोग आए और उसका अच्छे खासे से दवा हो सके, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग फ़ोन भी कर दिए हैं तो देखिए कब तक आते हैं कब तक नहीं। रात से ही हम लोग फ़ोन करना चालू कर दिए थे वन विभाग के पास, तो देखिए बारिश का मौसम भी है तो इसके वजह से थोड़ी सी मतलब कठिनाई हो रही है। और हम लोग मेडिसिन भी दे दिए थे उसको खाने के लिए, बट इस टाइम सुरक्षित है, अच्छे ढंग से। हम लोग रात भर सो नहीं पाए हैं, हम लोग अभी मैं जस्ट सो कर उठ कर आप लोगों के बीच में मैं वीडियो ये बना रही हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाने भी चल रही हूँ कि उसको कहाँ पर हम लोग सेफ से रखे हैं। आप लोग तो जानते ही हैं मेरा एक ही कमरा है, बट एक जो हमारा जो मड़ई है, झोपड़ी है, उसी में हम लोग सेफ करके उसको रखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बारिश का भी मौसम है, बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रहा है और पता नहीं कब तक अभी सहयोग मिलेगा, उसको दवा दर्पण कैसे लेकर जाया जाएगा, क्योंकि बारिश भी हो भी रही है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हल्का हल्का बारिश हो रही है, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वन विभाग वाले पहुँचे और इसको उठा कर लेकर जाए, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग, बताइए हम लोग दो लोग तीन लोग क्या कर पाएंगे, और बाकी लोग को सहायता तो करना ही चाहिए ना। लेकिन फिर भी हम लोग अगर 9 बजे तक कोई नहीं हमारे घर पे पहुंचा तो हम लोग इसको लेकर और हम लोग ब्लॉक में पहले जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि मैं आप लोगों को, चलिए मैं दिखा रही हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी वीडियो, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसका जल्दी से जल्दी दवाई और उपचार हो सके, ठीक है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखा रही हूँ, तो चलिए मैं आप लोगों को पहले दिखा दे रही हूँ, ठीक है। बारिश हो रहा है तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितना कीचड़ कीचड़ इधर हो चुका है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग सुरक्षित से रखे हुए हैं यहाँ पे। ये रहा, आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे है से ये सारस, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। देखिए हम लोग बोरा वगैरह बिछा दिए थे, इसका पैर अभी फ़िलहाल दिख नहीं रहा है, अपना पैर दोनों छुपा लिया है। इसको बढ़िया से देखिए ओढ़ा भी रखे थे, लेकिन सारा फेंक दिया है, फेंकने के बाद मतलब कपड़ा जो है वो हटा दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। रात में खाना खिला रहे थे, खाना भी नहीं खा रहा था बिल्कुल, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है ये, और ये बिल्कुल उठने के लायक नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग सहयोग करिए, क्योंकि बहुत बड़ा पक्षी है ये और हमको बहुत ज़्यादा दया आ रहा है, ठीक है। हम लोग रात में खाना नहीं सही ढंग से खा पाए थे, खाना खाने जा रहे थे तभी बच्चे लोग लेकर चले आए, और ये इसका हालत हम लोग देखने के बाद हम लोग बिल्कुल भी भोजन नहीं कर पाए। वैसे ही हमारा रात का भी भोजन पड़ा हुआ है अभी तक, लेकिन सच में कहना कि बहुत ज़्यादा तकलीफ में। आप लोग देख सकते हैं इसके फेस पे भी, यहाँ पे
चोट लगा है। अब पता नहीं किस प्रकार से कहें किस मतलब कैसे लगा था इसको चोट, ये नहीं पता है। मैं दूर से ही दिखा रही हूँ क्योंकि हो सके ये वार भी कर सकता है मेरे ऊपर भी, ठीक है। तो ये नहीं पता कि इसके पैर कैसे टूटे हैं कैसे नहीं, लेकिन वहीं पे पड़ा हुआ था और बच्चे लेकर आए थे इसको, तो आप लोग देख सकते हैं। इधर देखो, हेलो, इधर देखो, हाँ इधर देखो, क्या कुछ खाना है, क्या पानी पीना है? तो देख सकते हैं अभी फ़िलहाल, अभी बारिश जब इसका अभी ख़त्म हो रहा है तो उसके बाद से हम लोग इसको हटाएंगे और बाहर निकालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको हम लोग बहुत सुरक्षित से रखे थे, आप लोग देखिए, ताकि इधर कुत्ता बिल्ली ना आ पाए, ठीक है ना। तो पूरा इसको रात में हम लोग 3-4 बार देखे थे, छाता ले लेकर आए थे बाहर और देखे भी थे, ठीक है। तो यहीं आप लोग, मैं पैर अभी आप लोगों को दिखाती, लेकिन पैर आप लोग स्क्रीन शॉट में तो देख ही सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हेलो हेलो, इसमें मदद अपना मांगो प्लीज़, आप मदद मांगो इसमें। इधर देखो, इधर देखो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यहीं दिखाना था, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख ही सकते हैं जो कि इतना ज़्यादा हालत तो इसका ख़राब है, और इसको यहीं पे हम लोग रखे हुए हैं, जब तक वन विभाग वाले या कोई इसको मेडिसिन अच्छा खासा दवा नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहीं पे रखे रहेंगे। और मतलब हो सके तो अभी थोड़ा बारिश का जो मौसम है ख़त्म हो, तो अभी हम लोग लेकर इसको मतलब हमारे घर के जो भी परिजन है तो इसको लेकर जाएंगे, ठीक है। वैसे फ़ोन हो चुका है और जैसे कि मीडिया वाले के भी पास फ़ोन हुआ था, ठीक है, तो वो भी हो सके तो इस टाइम पेपर में डालेंगे। तो प्लीज़ आप लोग देखते रहिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए आप लोग। हाँ, तो चलिए, ये आज तक का यहीं पे, बाय बाय।